इम्पोर्टेंट बात जो है बच्चों, ठीक है ना, ठीक है, मोशन इन टू डी में हम पहले पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल्स के बारे में, ठीक है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे किसके बारे में, अबाउट प्रोजेक्टाइल, है ना। प्रोजेक्टाइल बेसिकली आई कैन से दैट ट्राजेक्टरी ट्राजेक्टरी मतलब पाथ, है ना, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना, इन टू डायमेंशनल मोशन ना अंडर ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल, है ना, ठीक है ना। एग्जाम्पल थ्रोइंग ए स्टोन और ए बॉल, ठीक है ना, तो एग्जाम्पल में क्या दे सकते हो, यहाँ पे थ्रोइंग अ स्टोन और ए बॉल थ्रोइंग अ स्टोन और ए बॉल, है ना, एट एन इंक्लिनेशन विद द हॉरिजेंटल, एट एन इंक्लिनेशन विद द हॉरिजेंटल, एट एन इंक्लिनेशन विद द हॉरिजेंटल, जैसे कि मान लो ये हॉरिजेंटल है फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये हॉरिजेंटल है, लेट्स से दिस इज हॉरिजेंटल, है ना। अब तुमने क्या किया, स्टोन को फेंका ऐसे, एट सम इंक्लिनेशन विद द हॉरिजेंटल यू आर थ्रोइंग द स्टोन, है कि नहीं। तो यू आर थ्रोइंग द स्टोन एट सम इंक्लिनेशन विद द हॉरिजेंटल, ठीक है। तो मान लो, है ना, तुमने जब, है ना, पत्थर को फेंका एट सम हॉरिजेंटल, एट सम इंक्लिनेशन विद हॉरिजेंटल, तो ये उसका पाथ है मोशन का, है ना, पत्थर का जो मोशन का ये पाथ है, दिस इज द पाथ ऑफ मोशन ऑफ द स्टोन और द बॉल, ठीक है ना। ऐसे ऐसे ट्रैवल करके, है ना, फिर नीचे आ जाता है। तो बेसिकली, है ना, दैट द मोशन, बेसिकली मोशन हैपेंस इन अ प्लेन, है ना, सो दिस इज प्लेनर मोशन, सो आई कैन से दैट मोशन ऑकर्स इन अ प्लेन,
तो बेसिकली क्या हो रहा है इसमें, बेसिकली ना ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है दो डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, दो एक्सिस के अलावा। अगर मैं हॉरिजेंटल का एक्स एक्सिस ले लूं, इफ आई टेक हॉरिजेंटल एज एक्स एक्सिस है ना, और ये जो वर्टिकल है, और मान लो ये जो वर्टिकल है, वर्टिकल को अगर हम वाई एक्सिस ले लें, एंड इफ आई टेक वर्टिकल एज वाई एक्सिस, तो बेसिकली जो पार्टिकल का एक्स एक्सिस के अलोंग पोजीशन और वाई एक्सिस के अलोंग पोजीशन है ना, ये ही दोनों चेंज हो रहे हैं ना। तो इन सच ए मोशन, इन सच ए मोशन कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल चेंजेस अलोंग टू डिफरेंट एक्सिस, अलोंग टू डिफरेंट एक्सिस है ना। तो लेट से फॉर एग्जाम्पल है ना, फॉर एग्जाम्पल इफ इफ हॉरिजेंटल इज टेकन एज एक्स एक्सिस इफ हॉरिजेंटल इज टेकन एज एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल इज टेकन एज वाई एक्सिस। तो मान लो कि अगर हॉरिजेंटल को हम एक्स एक्सिस मानते हैं और वर्टिकल को वाई एक्सिस मानते हैं, इफ हॉरिजेंटल इज टेकन एज एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल इज टेकन एज वाई एक्सिस, और वर्टिकल को हम वाई एक्सिस मानते हैं यहाँ पे है ना, अगर हॉरिजेंटल को हम एक्स एक्सिस और वर्टिकल को हम वाई एक्सिस मानते हैं यहाँ पे, देन है ना, देन इट कैन बी सेड दैट, देन इट कैन बी सेड दैट the particle's coordinate changes along x and y, particle's coordinate changes along x axis एंड वाई एक्सिस, समझ में आ रहे हैं बच्चों? मतलब हॉरिजेंटल पोजीशन और वर्टिकल पोजीशन दोनों साइमल्टेनियसली चेंज हो रहा है, तो सच ए मोशन इज कॉल्ड मोशन इन टू डायमेंशन, ठीक है ना? इज दैट क्लियर? यस सर, यस सर, ओके। हाँ क्लियर है ना। अच्छा वेक्टर्स में कंपोनेंट रिजोल्यूशन पढ़ लिया बच्चों तुम लोगों ने? यस सर,
रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इनटू इट्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, पढ़ लिया ना बच्चों? निशा बेटा पढ़ा है नहीं पढ़ा है? रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर अरे नहीं बेटा ब्लर नहीं है। कौन सा वीडियो बोलो? कौन से चैप्टर का देखा तुमने? मतलब कौन सा विच चैप्टर? वेक्टर्स। वेक्टर्स का सुबह क्लास नहीं हो रहा है क्या? ट्यूजडे क्लास से हो रहा है सर। हो रहा है ना? यस सर। तो सुबह का क्लासेस अटेंड नहीं करते क्या बेटा? बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स कहाँ ब्लर है? अब मैं देख रहा हूँ खुद, मेरा खुद का वीडियो ब्लर तो नहीं है। वो ब्लर जो है वो बात फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए, उसके बाद तो सही चलता है। थोड़ा पेशेंस पेशेंस रखो ना, ठीक है ना? कोई कोई कभी कभी बीच बीच में ब्लर हो जाता होगा, थोड़ा पेशेंट रहोगे तो है ना, तो बिल्कुल सही से सब दिखाई देगा, ठीक है ना? तुम अगर पेशेंस लूज कर लेना, एक मिनट दो मिनट देख के ना फिर छोड़ दिए फिर है ना, तो थोड़ा दिक्कत होगा फिर। बढ़िया है बेटा, तुम है ना, तुम्हारा दिमाग बहुत अच्छा है बेटा, ठीक है? थोड़ा पेशेंस रखो तो हो जाएगा बेटा, है ना? पेशेंटली एक 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 चीज को थोड़ा देख लोगे ना रोज एक एक वीडियो, तो कवर हो जाएगा आराम से। अच्छा तो बच्चों नेक्स्ट इज है ना, लेट अस एनालाइज है ना प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन तो पहले हम एनालाइज करते हैं, ठीक है? कैसे एनालाइज करें? पहले प्रोजेक्टाइल मोशन को मान लो, अगर ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, ठीक है ना? पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया इनिशियल वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। तो जो पार्टिकल है एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल हमने प्रोजेक्ट किया, ठीक है? अब जो देखो, इफ u इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, अगर मैं ये बोल रहा हूं कि u इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, मान लो u है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक है ना? u is initial velocity of particle, theta is angle of projection, मान लो एक पत्थर को हमने फेंका, ठीक है ना, या तुम लोगों ने एक पत्थर उठा के फेंका, कुछ ना कुछ एंगल में फेंका तुम लोग,
किसके साथ? हॉरिजेंटल के साथ, ठीक है। तो अगर मैं उसका दो कंपोनेंट ले लूं, इफ आई ब्रेक इट इनटू इट्स टू कंपोनेंट्स, अगर मैं उसको उसके दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लूं, अगर मैं उसको उसके दो, इफ आई ब्रेक इट इनटू इट्स कंपोनेंट्स, इफ आई ब्रेक इट इनटू इट्स कंपोनेंट्स, है ना, ठीक है ना। एक कंपोनेंट होगा मान लो यू कॉस थीटा, और दूसरा जो है हो जाएगा यू साइन थीटा। एक कंपोनेंट हो जाएगा यू कॉस थीटा, एक हो जाएगा यू कॉस थीटा, तो दूसरा जो है वो हो जाएगा यू साइन थीटा। दूसरा कंपोनेंट जो है वो हो जाएगा यू साइन थीटा, ठीक है ना। तो आई कैन आई से दैट यू कॉस थीटा इस कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। अरे समवन इज अनम्यूटेड, निशा जॉइनिंग लेट, शेखर बेटा सब कुछ समझ में आ रहा ना? सौरभ, शेखर, सौरभ बच्चों तुम लोगों को सब समझ में आ रहा है? अनिशा आपने माइक ऑन है कब? ठीक है ना। अच्छा, यू कॉस थीटा क्या है? कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल ना, यू साइन थीटा क्या होगा? कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल, ना। तो बेसिकली व्हाट इज यू कॉस थीटा? कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल, यू साइन थीटा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल, ठीक है ना। एक तो है यू कॉस थीटा व्हिच इज कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल, दूसरा है u sin theta which is component of velocity along vertical, है ना। velocity मतलब initial velocity, component of दोनों के दोनों जो है ना बच्चों, that is component of initial velocity, ठीक है ना। ये भी होगा component of initial velocity, है कि नहीं बच्चों? ठीक है, कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा देखो बच्चों, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट्स इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना। ठीक है ना। तो देखो बच्चों, और एक पॉइंट में बोल रहा हूं, सिंस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सिंस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट्स, है ना, अलोंग द वर्टिकल, सिंस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट्स अलोंग द वर्टिकल, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द वर्टिकल
है ना, द वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी द वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल डिक्रीज चेंज विल चेंज आएगी नहीं बेटा समझ में, ठीक है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट करता है, सो व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ दैट, कंपोनेंट ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल चेंज, है ना, सिंस देयर इज नो एक्सीलरेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल। अर्थ में अलोंग हॉरिजॉन्टल कोई एक्सीलरेशन है क्या? नो सर। अलोंग हॉरिजॉन्टल व्हाट इज हाँ सर, एक्सीलरेशन? जीरो। हाँ, सिंस देयर इज नो एक्सीलरेशन अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सिंस देयर इज नो एक्सीलरेशन अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सिंस देर इज नो एक्सीलरेशन अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग कोई एक्सीलरेशन नहीं है, सिंस देर इज नो एक्सीलरेशन अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सिंस देर इज नो एक्सीलरेशन अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, है ना, द हॉरिजेंटल कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल नॉट चेंज, द हॉरिजेंटल कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल नॉट चेंज। विल नॉट चेंज, है ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल नॉट चेंज एंड रिमेन्स कॉन्स्टेंट, एंड रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो ये तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो तो चेंज होगा भी नहीं और दैट विल रिमेन कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। तो यू साइन थीटा, तो यू साइन थीटा डिक्रीजेस इनिशियली एंड यू कॉस थीटा इज कॉन्स्टेंट, ठीक है ना बच्चों। ठीक है बच्चों, है ना बच्चों, ठीक है। बेसिकली क्या हो रहा है, यू साइन थीटा डिक्रीजेस इनिशियली बट यू कॉस थीटा रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। ओके, एक तो यू साइन थीटा डिक्रीज हो गया, फिर यू कॉस थीटा होगा कॉन्स्टेंट, ठीक है। अच्छा बच्चों, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट इज, देखो मुझे बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो
ठीक है ना, कि मान लो ये इनिशियल वेलोसिटी u है, ठीक है। अच्छा मैंने इसको फेंक दिया, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये u साइन थीटा के वजह से, अगर है ना मतलब प्रोजेक्शन एंगल अगर थीटा है, तो u कॉस थीटा के वजह से वो हॉरिजॉन्टल मूव करेगा, और u साइन थीटा के वजह से वो वर्टिकली मूव करेगा, है ना, ठीक है ना। बट ये जो u साइन थीटा जो वेलोसिटी है, ये लेकिन डिक्रीज हो जाएगा। वाई? बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ना, उसके वजह से है ना, ये u साइन थीटा का मैग्नीट्यूड चेंज होगा। u कॉस थीटा के अलोंग अलोंग u के अलोंग हॉरिजॉन्टल देयर इज नो एक्सेलरेशन, हेंस u कॉस थीटा विल नॉट चेंज, हेंस u कॉस थीटा विल नॉट चेंज, है ना बच्चों, समझ में? ठीक है ना। बेसिकली क्या हो रहा है, इफ अ पार्टिकल और इफ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट अ प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी यू, बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी यू एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, इफ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी यू एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, है ना, एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, इफ इट इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी यू एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, देन है ना इट विल साइमल्टेनियसली, देन इट विल साइमल्टेनियसली मूव अलोंग हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल देन इट विल साइमल्टेनियसली मूव अलोंग हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल ड्यू टू है ना इट्स वेलोसिटी कंपोनेंट, ड्यू टू इट्स वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग बोथ डायरेक्शंस, बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डिक्रीजेस, हॉरिजेंटल कॉम्पोनेंट ऑफ बट हॉरिजेंटल कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी, बट हॉरिजेंटल कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी डिक्रीजेस, ये जो हॉरिजेंटल कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी है ना, सॉरी बट सॉरी 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 बट वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी डिक्रीजेस, बट वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी डिक्रीजेस, बट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डिक्रीजेस है ना ड्यू टू
but vertical component of velocity decreases due to but vertical component of velocity decreases due to किसके वजह से डिक्रीज करता है बट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डिक्रीजेस ड्यू टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो ये ऊपर तो जा रहा है, ये देखो ना, हेंस हेंस द बॉडी मूव्स इन अ कर्व्ड पाथ. Hence the body moves in a curved path, moves in a curved path called projectile. Hence the body moves in a curved path called projectile. तो ये जो curved path है इसको बोलते हैं projectile. कर्व्ड पाथ को क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल. ठीक है ना. तो बेसिकली क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो डिक्रीज करता है, निश्चित रूप से वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज करता है. ठीक है ना. बट ये जो है ना, ये डिक्रीज कर करके है ना, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है कि जीरो हो जाता है एट मैक्सिमम हाइट. फिर जब ये जो मैक्सिमम हाइट पे जब पहुंच जाता है ना, है ना, फिर उसका वेलोसिटी डिक्रीज करते 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 क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा. मतलब जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, वर्टिकल को मैंने वाई एक्सिस दिया है, दैट बिकम्स इक्वल टू जीरो. तो वो जो है वो जीरो हो जाता है कहाँ पे, मैक्सिमम हाइट में. ठीक है ना. वो जो है वो मैक्सिमम हाइट में जाके हो जाता है जीरो. तो ये जो है ये मैक्सिमम हाइट में बनता है जीरो. ये क्या बन गया जाके मैक्सिमम हाइट में, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वो बन गया जीरो. लेकिन मैक्सिमम हाइट में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना होना चाहिए, व्हाट शुड बी द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट, horizontal component of velocity at maximum height is u cos theta. क्योंकि u cos theta तो change नहीं होता है, u cos theta तो constant रहता है. तो maximum height में है ना, ठीक है ना. तो maximum height में क्या होता है, vertical component of velocity होता है zero, horizontal component of velocity होता है ना u cos theta. ठीक है ना. At maximum height, at maximum height, है ना, at maximum height, अरे ना समझो, at maximum height the vertical component of velocity becomes zero, vertical component of velocity, component of velocity becomes zero. Hence, net velocity equal to u cos theta at maximum height. So maximum height में net velocity कितना है, u cos theta, है ना. जब हम एक है ना प्रोजेक्टाइल, एक है ना, जब हम एक पत्थर को, कोई भी बॉडी को है ना, एक प्रोजेक्टाइल पाथ में फेंकते हैं विद इनिशियल वेलोसिटी यू, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा. ठीक है ना. सो व्हाट हैपेंस, इट विल मूव इन अ कर्व्ड पाथ, इट विल मूव इन अ कर्व्ड पाथ, इट विल मूव हॉरिजॉन्टली, इट विल आल्सो मूव वर्टिकली. बट व्हाट हैपेंस इज दैट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल रिड्यूस इनिशियली ड्यू टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. है ना, ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी द वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल रिड्यूस इनिशियली.
एज द पार्टिकल गोज टू मोर एंड मोर हाइट, एज द पार्टिकल कवर्स मोर हाइट इट्स वर्टिकल कॉम्पोनेंट वेलोसिटी डिक्रीजेस एंड इट्स वर्टिकल कॉम्पोनेंट वेलोसिटी बिकम्स जीरो एट मैक्सिमम हाइट, बट द नेट वेलोसिटी इज नॉट जीरो एट मैक्सिमम हाइट बिकॉज इट विल स्टिल रिटेन द हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो यू कॉस थीटा, वो तो हर पॉइंट पर यू कॉस थीटा है, वो तो कभी चेंज ही नहीं होता है ना। जो हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी है यू कॉस थीटा, वो तो हर जगह पर यू कॉस थीटा है, वो तो कभी चेंज नहीं हो रहा है बिकॉज देर इज नो एक्सीलरेशन अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेंस कॉन्स्टेंट सिंस एट मैक्सिमम हाइट, वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकम जीरो, hence net velocity is the horizontal component of velocity, hence horizontal component of velocity becomes the net velocity. Am I clear? Yes sir. Yes sir. Yes sir. समझ में है ना? Yes sir. Yes sir. अब क्योंकि maximum height में horizontal component of velocity u cos theta है, अब क्योंकि maximum height में horizontal component of velocity u cos theta है, उसके वजह से वो आगे बढ़ता है, वो डायरेक्टली नीचे नहीं गिरता है। ऐसा नहीं होता है कि ना वो ऊपर गया और डायरेक्टली नीचे गिरा, ऐसा नहीं होता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की वजह से वो आगे भी जा रहा है, लेकिन अभी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से वो नीचे भी गिरेगा, है ना। तो मैक्सिमम हाइट में पहुंचने के बाद हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की वजह से वो आगे भी जाएगा, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के लिए वो नीचे भी गिरेगा, है ना। तो उसका जो ट्रैजेक्टरी है कुछ ऐसे हो जाएगा, है ना, वो आगे भी जा रहा है और वो नीचे भी गिर रहा है, ठीक है ना। इट विल फॉल, इट विल मूव अहेड बिकॉज ऑफ यू कॉस थीटा एंड बिकॉज ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इट विल गेन सम वेलोसिटी अलोंग द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, इट विल गेन सम स्पीड अलोंग द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड इट विल बी फॉलिंग डाउन ऑल्सो, है ना, विद इंक्रीजिंग स्पीड, ठीक है ना। इट विल बी फॉलिंग डाउन विद इंक्रीजिंग स्पीड एंड इट विल आल्सो साइमल्टेनियसली मूव मूव इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। समझ में आया, ठीक है ना। यस यस सो आफ्टर रीचिंग द मैक्सिमम हाइट, आफ्टर रीचिंग है ना the maximum height, height the particle keeps moving along the horizontal due to u cos theta and at the same time it falls downwards with increasing vertical velocity, increasing vertical speed due to acceleration due to gravity g, ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया बच्चों? यस सर। हाँ, तो ये था तुम्हारा वो प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब थ्योरी। तो दिस इज द कंप्लीट थ्योरी ऑफ फोर ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है ना बच्चों, ये पूरा कंप्लीट तुम्हारा प्रोजेक्टाइल मोशन का थ्योरी मैंने तुमको बता दिया। नाउ वी विल गो टू मैथमेटिकल डेरिवेशन। सर कैन यू गो टू द लास्ट स्लाइड? हाँ, दिस इज द लास्ट स्लाइड। ठीक है ना बच्चों, अमीशा बेटा समझ में आया?
अनीशा, आयुष, दीपिका, इकरा बेटा, जैस्मिन, खुशी, नंदिनी, नंदिता, यस सर निकिता, निशा, पल्लवी, प्रीति, यस साक्षी, संभावी, सपना, यस सर संगीत, सदा, है ना, शेखर, स्नेहा, स्वरा, यस सुधांशु, स्वयं, श्वेता, सबको समझ में आया ना? ठीक यस है, सर अभी अभी मैथमेटिकल डेरिवेशन चलेगा, अभी जो है ना मैथमेटिकल डेरिवेशन चलेगा, ठीक है ना, अभी जो है चलेगा मैथमेटिकल डेरिवेशन, स्टार्ट करें, ठीक है ना। यस सर यस सर तो वी विल डिस्कस अबाउट नाउ थ्री वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस क्वांटिटीज, ठीक है ना। स्लाइड तो पहला तो है, वी विल फर्स्ट डिस्कस अबाउट टाइम ऑफ लाइट। तो पहले तो हम पहले डिस्कस करेंगे टाइम ऑफ लाइट। तो ये टाइम ऑफ लाइट क्या है ना? और द टाइम, व्हाट इज द टाइम ऑफ लाइट ऑफ द बॉडी इन प्रोजेक्टाइल? टाइम ऑफ लाइट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन लीविंग द ग्राउंड एंड रीचिंग द ग्राउंड, है ना बच्चों? द टाइम इंटरवल, ठीक है ना, बिटवीन लीविंग द ग्राउंड एंड रीचिंग द ग्राउंड इज कॉल्ड टाइम ऑफ लाइट। टाइम इंटरवल बिटवीन लीविंग द ग्राउंड एंड रीचिंग द ग्राउंड इज कॉल्ड टाइम ऑफ लाइट, ठीक है ना बच्चों? तो व्हाट इज टाइम ऑफ लाइट? टाइम ऑफ लाइट इज डिफाइंड एज टाइम ऑफ लाइट is defined as time of light t is defined as the time interval, है ना, between the particle, between the body है ना, between the body leaving the ground, and reaching the ground, or the time for which or the time for which the body and the body remains in air, the body is remains in air, है ना। तो बेसिकली देखो बच्चों, बेसिकली टू कैलकुलेट टाइम ऑफ लाइट, टू कैलकुलेट टाइम ऑफ लाइट वी कैन यूज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। टू कैलकुलेट टाइम ऑफ लाइट
to calculate time of light we can use. अच्छा प्लीज सो प्रीवियस स्लाइड ठीक है यही तो है बेटा प्रीवियस स्लाइड है ना यही है ना प्रीवियस स्लाइड बेटा यस सर अच्छा टू कैलकुलेट द टाइम time of light calculate करने के लिए है ना to calculate time of light we can use second equation of motion to calculate time of light we can use second equation of motion ठीक है ना वो क्या है व्हाट इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन वो है ना एस वाई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन सॉरी अलोंग अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन ठीक है ना अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन वो क्या है एस वाई इज इक्वल टू यू वाई एस वाई इक्वल टू यू वाई प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर ठीक है ना अरे अलग वर्टिकल डायरेक्शन को हमने क्या लिया वाई एक्सिस लिया ना यहाँ पे We are basically considered vertical direction as y-axis. Basically हमने vertical direction को y-axis consider किया है कि नहीं? So displacement along y-axis is equal to initial velocity along y-axis into time plus half into acceleration along y-axis into square of time. है कि नहीं बच्चों? Net yes, displacement sir. along y-axis. नेट डिस्प्लेसमेंट अलग वाई एक्सिस क्या होगा व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट अलग वाई एक्सिस जीरो जीरो होगा ना नेट डिस्प्लेसमेंट अलग वाई एक्सिस देखो बेटा यहाँ पे जीरो हो रहा है वेरी गुड मतलब यहां से गया ऊपर जीरो जीरो ठीक है ना मान लो कुछ आर जीरो में वो वापस आ गया ना नेट डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस इज जीरो ठीक है ना इम्प्लाइज जीरो इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी है यू साइन थीटा टाइम है यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस हाफ देखो यू साइन थीटा मैंने पॉजिटिव लिया तो अगर अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव होगा तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को ले जाऊंगा मैं माइनस जी इंटू कैपिटल डी स्क्वायर ठीक है ना तो यहाँ पे हम ले सकते हैं ना नेट ड्यूरिंग द होल टाइम ऑफ फ्लाइट है ना ठीक है ना बच्चों ड्यूरिंग द होल टाइम ऑफ फ्लाइट सर आर जीरो लिए हैं क्या बेटा आर और जीरो लिए हैं कोऑर्डिनेट में आर और जीरो ओके सर वो आर जो ना उसको रेंज बोलते हैं मैं बताऊंगा वो आर क्या है ठीक है ना ड्यूरिंग द होल टाइम ऑफ फ्लाइट The net vertical displacement along y-axis along vertical. The net displacement along vertical sy equal to zero. Sy equal to
जीरो है कि नहीं बच्चों, समझ में आया? ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जीरो लिया। तो इंप्लाइज u sin theta into t is equal to half g t square. That implies t is equal to 2u sin theta by g. समझ में आया बच्चों? दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्लियर है? यस सर। ओके, तो नेक्स्ट जो है आफ्टर टाइम ऑफ फ्लाइट क्या पढ़ेंगे? रेन सर। सर वन मिनट। समझ में आ गया ना सबको? यस सर। यस सर। ओके वेरी गुड, समझ समझ के लिख रहे हो बेटा? yes, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना? तो ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। नेक्स्ट इज मैक्सिमम वर्टिकल हाइट। नेक्स्ट इज मैक्सिमम वर्टिकल हाइट। मैक्सिमम वर्टिकल हाइट, ओके आई एम गोइंग टू प्रीवियस स्लाइड। ये देख लो बच्चों, ओके सर, ठीक है ना? तो नाउ वी कैन गो टू मैक्सिमम वर्टिकल हाइट, है कि नहीं? सो व्हाट इज मैक्सिमम वर्टिकल हाइट? तो वर्टिकल हाइट मैक्सिमम क्या होना चाहिए बेसिकली, ठीक है ना? बता रहा हूँ again, तो ये तुम्हारा x axis, ये मान लो तुम्हारा y axis, ठीक है ना? अब ये हमारा प्रोजेक्टाइल, ये हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये u, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? एच मैक्स होना चाहिए। थीटा है ना, यहाँ पे होना चाहिए एच मैक्स, ठीक है ना? तो दिस बिकम्स एच मैक्सिमम, राइट बच्चों? तो दिस इज मैक्सिमम वर्टिकल हाइट है, ठीक है ना? एच मैक्स। अच्छा, टू कैलकुलेट मैक्सिमम वर्टिकल हाइट, टू कैलकुलेट एच मैक्स है ना,
we use third equation of motion. We use third equation of motion along the vertical direction. We use third equation of motion along the vertical direction, है ना? जैसे के v y square is equal to u y square plus 2 into a y into s y, है ना? अब देखो, at the vertical height, at the maximum height, vertical component of velocity is zero. मैक्सिमम हाइट में वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो है कि नहीं, है ना? मैक्सिमम हाइट में वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो है बच्चों, है कि नहीं? यस सर। ओके, व्हाट इज इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी? यू साइन थीटा। यस, वेरी गुड बच्चों, इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है? यू साइन थीटा है। तो ये हो जाएगा यू साइन थीटा, अपवर्ड डायरेक्शन में ले रहा हूँ पॉजिटिव, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा नेगेटिव, से एक्सेलरेशन अलग वाई एक्सिस माइनस जी इनटू डिस्प्लेसमेंट अलग वाई एक्सिस एच मैक्स, है ना? इंप्लाइज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टू जी एच मैक्स, इंप्लाइज एच मैक्स कितना होना चाहिए? एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी, है कि नहीं? तो व्हाट इज एच मैक्स? इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी, ठीक है ना बच्चों? समझ में आया? यस सर। यस सर, ठीक है ठीक है, है ना? लिख लिया, बिकॉज़ द क्लास इज ओवर नाउ। यस सर। यस सर। यस सर। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर, बाय सर। बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय बाय।